नगर पालिका द्वारा बार्डो में अंदरूनी मार्गों के निर्माण हेतु सीसी रोड निर्माण पर लाखों की राशि लगभग हर गली में खर्च की गई है। इसके बावजूद बरसात के दिनों में इन सीसी मार्गों के हालात दलदल से कम नहीं हैं। कीचड़ भरे इन हालातों में लोगों का चलना मुश्किल है। इसी तरह बार्डो की अंदरूनी नालियों के निर्माण पर भी कदम कदम पर लाखों की राशि खर्च की गई है, लेकिन नाले जिस तरह से खुले पड़े हुए हैं, अधूरे पड़े हुए हैं, हादसों की वजह बन रहे हैं। शहर के बड़े पुल क्षेत्र में बीती रात ऐसा ही एक घटनाक्रम सामने आया, जब एक बाइक सवार युवक इस दलदली सड़क पर से निकलने के दौरान बाइक के असंतुलित होने से फिसल कर नाले में जा गिरा। ऐसा गिरा कि दोबारा उठ नहीं सका। रात्रि होने की वजह से लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ी। सुबह जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी और पुलिस को सूचना दी गई, तब तक इस युवक की सांसें थम चुकी थीं। आखिर इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रारंभिक नज़र में बाढ़ के लोग उपरोक्त हालात के लिए, इस मौत की युवक के लिए, बाढ़ की घटिया सीसी सड़क और अधूरे नाले निर्माण कार्य को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ की सड़क पर यदि फिसलन भरे हालात नहीं होते, नाला खुला नहीं होता, तो इस युवक की जान नहीं जाती। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोतवाली पुलिस मर्ग कायम करके अब जांच में जुटी हुई है, लेकिन जांच मौत को लेकर हो रही है, घटिया सड़क या घटिया नाली निर्माण को लेकर नहीं की जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि नगर पालिका की सीसी रोड के पैसे लेने वाले लोग कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और इस तरह के नालों से खुद को बचा पाएंगे, क्योंकि कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें गिरता है। भगवान न करे इन्हें बनाने वाले और खाने वाले कभी किस तरह कभी इस तरह के किसी दुर्घटनाक्रम के शिकार हों। चलो तुम घर चलो।